बात प्रयागराज की, जहां ऑपरेशन आधी रात के तहत एडीजी प्रेम प्रकाश ने शिवकुटी और कैंट थाने का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से थाने की व्यवस्था का हाल जाना। एडीजी प्रेम प्रकाश थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से कई सवाल जवाब भी करते नजर आए। वहीं थाने में तैनात पुलिसकर्मी से फेसबुक लाइव के माध्यम से ही बातचीत की। इस फेसबुक लाइव में सबसे रोचक बात यह रही कि बंदूकधारी होमगार्ड से एडीजी ने सवाल पूछा, बंदूक चलाना जानते हो? तो होमगार्ड ने नाम में सिर हिला दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान एडीजी ने ड्यूटी पर तैनात हेड मोहरीर और कंप्यूटर ऑपरेटर को अनियमितता बरतने पर सस्पेंड कर दिया। हेड मोहरीर कौन है? हेड मोहरीर चार दिन है। अब कौन है हेड मोहरीर ड्यूटी पे? अभी समय तो हम है। इसको हटाइए, होमगार्ड को सिपाही लगाइए। ठीक, नहीं तो खुद खड़ा होइए, बताइए इनको। कोई नहीं करेगा, इसे जब आती नहीं है। ये राइफल चला नहीं जानते हो? राइफल चला नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो क्यों लेते हो इस राइफल को? हाँ, चेंज कीजिए इसको अभी सर, तुरंत। सीसीटीएनएस में कौन है? कौन है? जीडी की वो निकालिए, लास्ट रिपोर्ट क्या है? ये देख रहे हो इसका क्या हाल है? कौन कराएगा इसकी सफाई? हेड मॉरल कौन है? तो ये बता दें आपको, फेसबुक लाइव के जरिए क्या नजारा यहाँ पर रहा और कैसी व्यवस्थाएं हैं वो एडीजी ने यहाँ पर दिखाई। अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे तमाम जो सिपाही यहाँ पर मौजूद थे, अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जानकारी उन्होंने ली। और जब होमगार्ड जो वहां पर तैनात किया गया था, उससे ये पूछा गया कि राइफल चलाना क्या वो जानता है, तो राइफल चलाने नहीं जानने के बाद उसने यहां पर साफ कही, जिसके बाद उन्होंने कहा तुरंत उसे हटाया जाए, सिपाही वहां पर तैनात किया जाए। और आपको बता दें एडीजी यही नहीं रुके, शिवकुटी थाने के बाहर आने के बाद प्रेम प्रकाश ने साफ सफाई को लेकर भी पुलिसकर्मियों से सवाल पूछे। थाने के नजदीक अम्बेडकर पार्क में शराब पीने वालों को भी एडीजी प्रेम प्रकाश ने फटकार लगाई और उसे हिरासत में भी लिया गया। एडीजी के निर्देश पर पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वाले 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। इस दौरान पूरे इलाके में हलचल मच गई। तो ये औचक निरीक्षण था एडीजी प्रेम प्रकाश पांडे का, जो कि पहुंचे यहां पर, औचक निरीक्षण किया उन्होंने थाने का कि थाने में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और कैसे व्यवस्थाएं होने के बावजूद सब कुछ अव्यवस्थित नजर आ रहा है। उसी को ठीक करने के लिए, उसी का निरीक्षण करने के लिए यहां पर अचानक ये दौरा था। और जैसे ही एडीजी प्रेम प्रकाश यहां पर पहुंचे, यहां पर हड़कंप मचा। और ये बता दें आपको, थाने के पास ही जहां पर पार्क में लोग शराब पीते हुए भी नजर आए, उन 6 लोगों को भी गिरफ्तार करके थाने पहुंचाया गया। और ये भी पूछा गया कि साफ सफाई आखिर कौन यहां पर करेगा। जो गार्ड्स यहां पर तैनात किए गए हैं बाहर, उन्हें राइफल चलानी आती नहीं है, क्योंकि एडीजी ने जब उनसे पूछा कि क्या चलाना जानते हो इसे, तो साफ इनकार यहां पर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि होमगार्ड को हटाओ, यहां पर सिपाही लगाओ, नहीं तो खुद लग जाओ। और ये जो पूरा नजारा था, ये फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने आम जनता तक भी पहुंचाया। उसी की ये तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो एडीजी प्रेम प्रकाश पांडे का औचक निरीक्षण ये था, जो कि आम जनता के साथ भी एक तरीके से साझा किया गया उनके फेसबुक के जरिए। यहां पर ये पूरा औचक निरीक्षण जो है सामने आया कि व्यवस्थाएं कैसी थाने में रखी गई हैं, कैसे थाने में काम हो रहा है। लास्ट रिपोर्ट यहां पर चेक की गई, सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए गए और क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, साफ सफाई थाने में है नहीं, उसको लेकर भी यहां पर फटकार जो है वो पड़ती हुई नजर आई। ये भी पूछा गया कि साफ सफाई आखिर यहां की कौन करेगा, ये इतनी अव्यवस्थित चीजें क्यों हैं। तो तमाम सवाल उनके यहां पर रहे। ये जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार एडीजी निरीक्षण यहां पर कर रहे थे। और ये तस्वीरें अब देखिएगा, क्योंकि जैसा कि कहा हमने कि यहां पर एडीजी रुके नहीं, और शिवकुटी के थाने के बाहर का नजारा है जहां पर प्रेम प्रकाश पांडे ने सफाई को लेकर भी पुलिसकर्मी से सवाल किया। और थाने के नजदीक अम्बेडकर पार्क में शराब पीने वालों को भी एडीजी प्रेम प्रकाश ने
फटकार लगाई और उसे हिरासत में भी लिया गया। एडीजी के निर्देश पर पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वाले 6 आरोपियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने पहुंचा दिया। इस दौरान पूरे इलाके में हलचल मच गई। फेंको मत, फेंको मत, लिए रखो सर। एक एक जने का ध्यान रखो। तो ये सवाल भी लगातार एडीजी प्रेम प्रकाश की तरफ से इनसे पूछे गए, जो थाने के बाहर ही शराब पी रहे थे। सुल्फा इनके पास पकड़ा गया। सुल्फा पीते हुए यहां पर ये एडीजी को नजर आए। एडीजी ने पूछा, कहां से तुम्हारे पास ये सुल्फा आया और शराब पीने के लिए क्या यही जगह तुम्हें मिली? आपको बता दें, इनको गिरफ्तार भी किया गया, थाने इन्हें पहुंचा दिया गया है। जब बाहर निरीक्षण किया गया एडीजी की तरफ से थाने के बाहर, तो ये लोग यहां पर शराब पीते हुए नजर आए और सब चीजें लेने के लिए एडीजी की तरफ से इनके पास से कहा गया, क्योंकि बोतलें इनके पास थी शराब की, इन्हें दे दो और सब चीजें इनके हाथ में दे दो, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये एडीजी की तरफ से कहा गया और उन्हें नुकसान ना पहुंचाने की बात भी कही गई कि उन्हें कुछ ना किया जाए। फेंको मत, लिए रखो सर। आपको बता दें, शराब ये लोग यहाँ पर पीते हैं, सुल्फा इनके पास से यहाँ पर से मिला है। और इसके बाद एडीजी की तरफ से ये सवाल भी इनसे किया गया कि आखिर इनके पास से, इनके पास सुल्फा कहाँ से आया? दिखाओ, दिखाना, दिखा। ये भी ले लो, ये सब चीजें ले लो, ले लो सब चीजें, अपनी अपनी ले लो, इन्हें दे दो, सब चीजें इनके हाथ में दे दो, सब दे दो इनको, नुकसान मत करो इनका कुछ भी। फेंको मत, फेंको मत, लिए रखो सर। एक एक जने का ध्यान रखो। कहाँ रहते हो? यहीं सर, अशोक नगर। तो यही जगह मिली है आपको दारू पीने के लिए? कहाँ से मौज मस्ती कर रहे हो? सुल्फा कहाँ है? सुल्फा कहाँ है? सुल्फा भी बताएंगे, सुल्फा की भी बात कर रहे थे। इसे पकड़ इसको। इनसे सुल्फा कहाँ से लाओगे बताइए? हम नहीं जानते। अभी सुल्फे की बात कर रखे हो ना? नहीं अंकल जी, देख लीजिए, अगर वो सुल्फा हमें मालूम है, देख लीजिए। तो यहाँ कहाँ तुम या पार्क में आके जो है? शादी थी वहाँ पे, हम आए थे तो हम यहाँ नहीं रहते। तो ये कौन सी जगह मिली है दारू पीने की? यहाँ महिलाएं भी आई है, अभी प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद भी तुम यहाँ सब वो कर रहे हो। चलो ले चलो इन्हें थाने। हाँ लेके जाओ, पी लो, पी लो, पी लो, इसे पी लो, पी लो, ना ना फेंको मत, ले जाओ आगे, चलो इसे बरामद करो। नहीं भागे कहाँ, भागोगे कहाँ, अभी भी भाग जाओगे? आराम आराम से, एक एक करके निकलो, एक एक करके निकलो।